एक इनफाइनाइट शीट कहीं बहुत नीचे से ऊपर तक करंट कैरी कर रहा है, लेट अस से आई का करंट है, ए की विड्थ है और इस प्लेट से डी डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। तो भी ये बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं जिनकी मदद से हम एक बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ला सकते हैं। तो भी इतनी चौड़ी शीट को अगर हमें किसी बेसिक एलिमेंट से कवर करना है तो वो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वो एक इनफाइनाइट लाइन वायर हो सकता है, यानी हम एक इनफाइनाइट लाइन वायर सोच सकते हैं जिसकी वजह से पी पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। इस लाइन वायर की वजह से कंट्रीब्यूशन पी पे इनसाइड है, तो क्या ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर जो इस पूरी प्लेट को कवर करेंगे उन सब का कंट्रीब्यूशन पी पे इनसाइड आने वाला है? इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख पाएंगे डीवी, तो ऐसे ऐसे हर वायर की वजह से कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है। तो पहली बात करते हैं डीबी कितना होगा। एक इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई टू बाई डी है, दैट विल बी म्यू नॉट उसका करंट डिवाइड बाई टू पाई डिस्टेंस। तो पूरी ए की थिकनेस से आई का करंट जा रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि ये कुछ डी एक्स थिकनेस का है, मैं एक्स वेरिएबल पी से चूज कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा। अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो एक्स का छोटा चेंज dx, ये थिकनेस है एक इनफाइनाइट वायर की, ये इनफाइनाइट वायर है, तो उस dx थिकनेस में कितना करंट होगा? अगर a विड्थ में i का करंट है तो यूनिट पे i by a होगा, तो dx थिकनेस पे जो करंट होगा that will be i by a into dx, this will be di, ये हमें di पता चल गया। तो क्या ऐसा ऐसा पूरा b लाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना चाहिए? कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे। बात आती है x में लिमिट कहां से कहां तक, तो पहला ऐसा लाइन वायर हमें यहाँ मिलेगा और आखिरी लाइन वायर हमें यहाँ मिलेगा, यानी x में जो लिमिट जाएगी वो d से लगा के d प्लस a तक जाएगी। तो अभी हम लोगों ने p पॉइंट इस शीट के प्लेन में ही माना था, और अब थोड़ा सी डिफरेंट बात करने वाले हैं। इस बार शीट के प्लेन से हट के इसके सेंटर से कुछ h हाइट ऊपर किसी a पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है। अगेन ये एक इनफाइनाइट शीट है, और ऐसी इनफाइनाइट शीट को कवर करने के लिए हम लोगों को बेसिक एलिमेंट एक लाइन वायर लेना चाहिए, यानी किसी एक्स डिस्टेंस के छोटे चेंज डीएक्स पे मैंने एक इनफाइनाइट लाइन वायर को बेसिक एलिमेंट माना है, और ऐसे ऐसे लाइन एलिमेंट पूरी शीट को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस एक लाइन वायर का कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए पे देखना चाहिए, और फिर ऐसे ऐसे एलिमेंट अगर मैं एक्स में लिमिट रखना चाहूँ तो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक क्या पूरी शीट कवर हो जाएगी। तो अभी इस डायग्राम का मैंने एक साइड व्यू बनाया है। सोचो अगर मैं यहां से कैमरा लगा के देखूं तो मुझे केवल ये साइड वाला सीन नजर आएगा। ये इनफाइनाइट शीट है, यानी ये बाहर बहुत डिस्टेंस से अंदर बहुत डीप तक जा रहा है, और ये जो मैंने वायर दिखाया था वो वायर, यानी ये वो मैंने अभी यहां दिखाया है जिसमें डीआई का करंट है, डीआई का करंट ये प्रोपोगेट कर रहा है, पूरी थिकनेस से आई का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस एलिमेंट से डीआई का करंट हमेशा की तरह ए की थिकनेस में आई का करंट है तो यूनिट लेंथ पे आई बाई ए होगा। इसको हम कुछ नाम देते हैं, लेट अस से लेमडा, तो लेमडा एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। लेमडा एम्पियर पर मीटर जा रहा है तो डीएक्स की थिकनेस में जो करंट है डीआई होगा, दैट विल बी लेमडा डीएक्स। तो इससे फ्लो करने वाला करंट लेमडा डीएक्स है, जिसका कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी मैंने दिखाया है उसी रूल के हिसाब से। इन साइड थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगी। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस बेसिक एलिमेंट की वजह से। तो क्या ऐसे ऐसे एलिमेंट x इक्वल टू माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक सब a पर मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन देंगे, और सब का कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसे आएगा कि उन सारे वैक्टर्स का नेट वो हॉरिजोंटल में आने वाला है। जब हमें पहले से अंदाजा है कि मैग्नेटिक फील्ड का नेट हॉरिजोंटल में आने वाला है, तो हम इस बेसिक डीबी का हॉरिजोंटल कंपोनेंट इंटीग्रेट करने वाले हैं। पहले हम डीबी सोचेंगे क्या होगा और फिर हॉरिजोंटल कंपोनेंट इंटीग्रेट करेंगे। सिंपलिसिटी के लिए मैंने एक और वेरिएबल यहाँ चूज किया है। इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल के छोटे चेंज डी थीटा के सामने ये डीएक्स एलिमेंट है। मैंने एक्चुअली लिमिट एंगल में रखने का सोचा है, तो अगर मैं एंगल में लिमिट रखूंगा तो पहला एलिमेंट यहां से भी पहले, यानी यहां कहीं मिलेगा माइनस अल्फा पे, और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एंगल थीटा की लिमिट प्लस अल्फा तक जाएगा। माइनस अल्फा से लेके प्लस अल्फा तक हम लोग लिमिट रखने वाले हैं। तो सबसे पहले डीबी सोचते हैं, डीबी क्या होगा इस डीआई की वजह से।
फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, तो म्यू नॉट आई की जगह डी आई, डिस्टेंस ए से लेके इस पॉइंट की आई की जगह आ जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स, और ये डिस्टेंस कॉस थीटा से लिखा जा सकता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस यानी एच, और हाइपरटेनस ये हमें चाहिए, लेट अस से आर कह दें, आर विल बी एच सेक थीटा। तो क्योंकि हमें सारा इंटीग्रेशन थीटा में ले जाना है तो डी एक्स को भी हम डी थीटा में लाएंगे। हम इस ज्योमेट्री में देख पा रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई एच होगा, तो एक्स इक्वल टू एच टेन थीटा होगा, तो डी एक्स विल बी एच सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। हमें डी बी का एक्स कॉम्पोनेंट डी बी एक्स सोचना है, उसी का इंटीग्रेशन करना है, तो अब हम डी बी एक्स सोचते हैं क्या होगा, दैट विल बी डी बी कॉस थीटा। मैं ये शो कर सकता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ थीटा होगा, यानी इस पूरे के साथ हमें कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करना है। सेक थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये डी बी एक्स बहुत आसान आया है, और अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, लिमिट हमारी माइनस एल्फा से प्लस एल्फा है, ये बी एक्स का आंसर आया है। और अभी अगर रिजल्ट हम लेंथ मेजरमेंट्स में लिखना चाहें तो जरा यहाँ से देख सकते हैं, टेन एल्फा ए बाई टू अपॉन एच है, तो एल्फा को हम लोग टेन इनवर्स ए बाई टू एच लिख सकते हैं। एंगल में लिखना चाहे तो ये आंसर है, लेंथ के टर्म में अपियर कराना चाहे तो ये आंसर है। एक और डिस्कशन इसी में हम करते हैं कि अभी इस शीट की लेंथ इनफाइनाइट थी, सोचो कि अगर इसकी विड्थ भी इनफाइनाइट हो जाए, यानी ए टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए, तो क्या बी एक्स के इसी आंसर को हम लोग म्यू नॉट लेमडा बाई पाई टेन इनवर्स इनफाइनाइट लिखेंगे, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई टू होता है, तो ये रिजल्ट म्यू नॉट लेमडा बाई टू आ जाएगा। और ये एक फेमस रिजल्ट है, एक इनफाइनाइट विड्थ की इनफाइनाइट शीट, यानी इसकी विड्थ भी इनफाइनाइट हो और लेंथ तो इनफाइनाइट है ही, तो ऐसी इनफाइनाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट आई है ये रिजल्ट, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमने अभी तक कोई मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं देखी है। इनफाइनाइट लेंथ की इनफाइनाइट विड्थ की शीट जिसमें एक साइड में करंट प्रोपोगेट कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट लेमडा बाई टू पैरेलल टू द शीट आ रही है। यानी अगर ऐसी कोई शीट है जिसमें आई का करंट पूरी इनफाइनाइट जा रहा है, तो कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आएगी ऊपर भी, और यही चीज़ हम नीचे भी शो कर सकते हैं।